अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स माय लेक्चर नंबर 7 फॉर क्लास 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4 यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम कंप्यूटर के यूजेस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1, एट विच प्लेसेस कैन कंप्यूटर बी यूज्ड। कि स्टूडेंट्स, उन प्लेसेस का हमें बताना है कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, कंप्यूटर तो आजकल इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हर फील्ड में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। कंप्यूटर के बगैर हमारे जो ऑफिस वर्क हैं वो अब इम्पॉसिबल हो गए हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है कि एट विच प्लेसेस कैन कंप्यूटर बी यूज्ड, कि कंप्यूटर किन प्लेसेस पर यूज़ होते हैं। आवर आंसर इज़ इन स्कूल्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस। कि स्टूडेंट्स ये सभी प्लेसेस हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स यूज्ड होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट कंप्यूटर्स हर जगह पर यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक प्लेसेस हैं जो मेंशन किए गए हैं आपके बुक में। सो हमें बुक को देखते हुए हमारे आंसर सॉल्व करने हैं। इन स्कूल्स, स्कूल्स में, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में एंड ऑफिसेस में कंप्यूटर्स यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एनिमेशन। कि स्टूडेंट एनिमेशन क्या होता है। आंसर इज़ एनिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लाइवली कार्टून्स। कि स्टूडेंट एनिमेशन जो है वो एक प्रोसेस है मेक प्रिपेयरिंग लाइवली कार्टून्स। के स्टूडेंट जो हम कार्टून्स देखते हैं, वो जो लाइवली कार्टून्स होते हैं, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जेटिक जो हमारे कार्टून्स होते हैं जो हम देखते हैं, वो कैसे बनते हैं। वो एक पूरे प्रोसेस से बनते हैं, हमारे पास पूरे एनिमेटेड होकर आते हैं। वो जो एक पूरा प्रोसेस होता है उन कार्टून्स को बनाने का, वो प्रोसेस एनिमेशन कहलाता है। हम उस प्रोसेस को एनिमेशन कहते हैं जिनसे कार्टून्स या फिल्म्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATM। कि स्टूडेंट ATM क्या होता है। ATM हमारी एक मशीन होती है जिससे हम हमारी मनी को इजीली विड्रॉ कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी एक मशीन होती है, ATM एक शॉर्ट फॉर्म है। और हमारा क्वेश्चन है कि हमें ATM की फुल फॉर्म लिखनी है। ATM हमारी एब्रिविएटेड फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ए फॉर ऑटोमेटेड, टी फॉर टेलर, एम फॉर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM के फुल फॉर्म स्टूडेंट ये है। इसके फर्स्ट लेटर स्टूडेंट कैप्स में ही होंगे, ऑटोमेटेड का ए, टेलर का टी एंड मशीन का एम, ये आपको कैप्स में ही लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी यूज़ ATM। कि स्टूडेंट हम ATM क्यों यूज़ करते हैं, ATM मशीन्स की हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है। आंसर इज़ टू डिपॉज़िट और विदड्रॉ मनी। स्टूडेंट डिपॉज़िट होता है जो हम बैंक में हमारी अमाउंट जमा करवाते हैं या जो भी हम रखवाते हैं, डिपॉज़िट करवाते हैं। डिपॉज़िट करने के लिए हमारी अमाउंट को, हमारी मनी को हम ATM यूज़ करते हैं। और विदड्रॉ, और अगर हमें बैंक से हमारी अमाउंट निकलवानी है, विदड्रॉ करवानी है, तो भी हम ATM को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट डिपॉज़िट करने के लिए, जमा करवाने के लिए और विदड्रॉ और बाहर निकलवाने के लिए हम ATM मशीन को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाते हैं, व्हाई डू पीपल यूज़ ईमेल। कि स्टूडेंट पीपल ईमेल क्यों यूज़ करते हैं। एंड योर आंसर इज़ टू सेंड मैसेजेस। मैसेजेस सेंड करने के लिए। स्टूडेंट ईमेल भी मैसेज सेंडिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारी फाइल्स, हमारे मेल्स हम सेंड कर सकते हैं, हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो ईमेल्स हम मैसेज सेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे इस यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर थे जो हम पढ़ चुके हैं।